अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। कोरोना में स्वास्थ्य सेवाओं का खासकर प्रभाव देखा गया। लोग ऑक्सीजन और स्वास्थ्य सेवाओं के बगैर मरते देखे गए। ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर बड़े से बड़ा अस्पताल, सबकी अहम भूमिका सामने आ गई। आपको बता दें कि बिहार के विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों का भी सरकार ने भरपूर जायजा लिया, भरपूर व्यवस्था दुरुस्त की गई। 2020 कोरोना के प्रथम आक्रमण के बाद पूरे भारतवर्ष में तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का कार्य किया गया। बिहार में भी तमाम खर्च किए गए और तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का दावा किया गया है। आपको बता दें, मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर के PSC यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बदहाल है। बद इंतजामी और उस पर तुर्रा यह कि मरीज अगर यहाँ इलाज को आए तो तरस जाए। आखिर क्यों? हमारे संवाददाता मिठू मिश्रा ने अस्पताल का जायजा लिया, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया, जहाँ इमरजेंसी सेवा में गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहे थे। यानी गार्ड की जो वर्क है, जो काम है, वह गार्ड न करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी सेवा में वे खाता बही देखते मिले, रजिस्टर में एंट्री करते देखते मिले। हमारे संवाददाता के सामने वह सही मायनों में पर्चा को पढ़ने में भी असमर्थ दिखे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है इमरजेंसी पुर्जा का, यहाँ पे गार्ड के द्वारा किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। जो वाजिब में स्टाफ की ड्यूटी होगी वो अपने घर पे छुट्टी मना रहे हैं और यहाँ पे गार्ड के द्वारा ऑन ड्यूटी करवाया जा रहा है। जो गार्ड डॉक्टर की सुरक्षा, आम पब्लिक की सुरक्षा में रहते हैं, उन गार्डों के द्वारा यहाँ पे ड्यूटी करवाया जा रहा है। क्या नाम है? आप किस पोस्ट पे हैं? गार्ड है ना। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का कौन आदेश दिया? नहीं था यहाँ तो इसलिए कार्ड फिर क्या करेंगे, जब नहीं मिलेगा तो यहाँ की इंटरव्यू की है। आपको कोई थोड़ा पेपर है जो आपका ड्यूटी है, आप गार्ड भरेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म? अब नया ड्यूटी लगा हुआ है इसमें, आपको पता है क्या क्या भरना है इस फॉर्म में? आपको पता है कैसा भरना है? देखिए जो न है यहाँ तो काटना तो कोई फिर आप कैसे बिना आप इसके इसके क्या क्या भरना था बताइए हमको, सब थोड़ा समझा दीजिए, हमको नहीं पता। हाँ भी इसमें नाम, उसके बाद उम्र, उसके बाद मेल फीमेल जो भी हो, उसके बाद जो पिता पति का नाम, बस उसके बाद एड्रेस, बस इतना ही करना है। इसके बाद हम चल जाएंगे डॉक्टर साहब, देख लेंगे हमको जी वहाँ। अगर मेरा BP बढ़ा होगा तब वो सर लिखेंगे वहाँ से, सर लिखेंगे। अगर फीवर बढ़ा रहेगा तो सब तो सर सर का ही काम है, सर वो लिखेंगे सब लिखने। आपको बार बार एक ही चीज़ बताने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिनका रजिस्ट्रेशन काउंटर पे ड्यूटी लगा हुआ है वो उपस्थित नहीं है और वो अपने घर पे छुट्टी मना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ और सिर्फ गार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबल को उसको सी रिस्पॉन्सिबल मैं तो नहीं, मैं तो यहाँ के जो है मैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए बैठा हूँ, तो मैं तो हाथ सिर्फ चेक करके देखिए कि भाई इनको फीवर है कि नहीं है, लेकिन थर्मामीटर नहीं, उसके लिए मैजिंग मार तो नहीं। बीपी मशीन है बीपी मशीन अंदर में है, हॉस्पिटल बीपी मशीन ला के दिखा दीजिए। और यहाँ पे सर एक गार्ड रहता है जो कि एंट्री करता है। आप एंट्री के लिए है कि वो आपकी सुरक्षा और पब्लिक की सुरक्षा के लिए? वो मेरी सुरक्षा के लिए है, लेकिन अब नहीं है स्टाफ की कमी है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। अच्छा, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। जो हमको जो हॉस्पिटल की तरफ से मिला वही ना करेंगे, तो यहाँ पे गार्ड जो है वो पुर्जा काटते हैं और जो है हम लोग के साथ एक स्टाफ होता है जो कि ट्रीटमेंट मतलब ड्रेसिंग करते हैं। हम बता दें कि डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर राजीव रंजन सर से अभी बात की है और राजीव रंजन सर ने ये बताया कि जो फीवर मशीन भी यहाँ इस सामुदायिक केंद्र में नहीं है, जिसको थर्मामीटर कहते हैं, वो उपलब्ध नहीं है। पेशेंट मर जाए, डॉक्टर उपस्थित हैं लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं है। डॉक्टर साहब के सामने में कुछ पेशेंट भी है इधर, डिलीवरी पेशेंट के लिए आधा घंटा से हम यहाँ रुके हुए हैं, उनको पुर्जा नहीं मिल रहा है। बिहार के मधेपुरा जिला स्थित सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत गोरीपुर पंचायत में उपस्थित हैं। सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहेश्वर में आप देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहेश्वर ब्लॉक 1 सिंहेश्वर मधेपुरा लिखा हुआ है। ना ही कोई इमरजेंसी में स्टाफ, ना ही कोई सुविधा,
बिहार सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधा से लेस है। आप इधर भी देख सकते हैं कि किस तरह का ये हॉस्पिटल है, हर तरह का हॉस्पिटल पूरा किस तरह से किया गया है, सुविधाओं से लेस। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवा हर गांव, प्रखंड, वार्ड के लिए बेहद आवश्यक पहली आवश्यकता है और इसका दुरुस्त होना भी उतना ही आवश्यक है। प्रशासन को चाहिए, स्वास्थ्य अधिकारी को चाहिए, तमाम अमले को चाहिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य की तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो ताकि जीवन के साथ खिलवाड़ न हो सके। मधेपुरा के सिंहेश्वर से मिठू मिश्रा की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।